हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप सबके लिए लाई हूँ, ये देखिए, निटिंग का बहुत ही न्यू और अच्छा सा डिजाइन। ये देखिए, डिजाइन देखने में इस तरह से लगता है। और ये देखिए, मैं अब आपको बनाना सिखाऊंगी। और फंदों की बात करें तो इसमें आप 15 के मल्टीपल्स प्लस 2 इस तरह से फंदे कास्ट करेंगे तो इजिली आपके ये हर प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। और ये किसी भी स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। ये आप जेंट स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी चीज में भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने 15 के मल्टीपल्स में मैंने इसमें 30 फंदे डाले हैं और प्लस 2 यानी 32 और एक एक एज के लिए तो 34। तो इस तरह से मैंने इसमें 34 फंदे कास्ट किए हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा 16 रो का पैटर्न है। तो देखिए, ये हमारी राइट साइड से फर्स्ट रो है। इस तरह से हम एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे और फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो। ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा हम पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये हमारी एक जाली बन जाएगी। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदों का एक करेंगे। पहले हम इस तरह से इस पहले फंदे को इस तरह से पलट लेंगे और इस सिलाई पे बिना बुना उतार लेंगे। और जो ये दो फंदे हैं इनका हम एक बना देंगे तो ये हमारी साथ साथ जाली भी बन जाएगी। और ये जो एक बिना बुना फंदा उतारा था इसे हम इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे तो ये हमारी बेसिकली तीन फंदों का एक हो गया, यानी हमारे यहाँ दो फंदे कम हो गए। तो जैसे हमने यहाँ पे दो जाली डाल ली तो ये इक्वल हो गए। अब हमारे ये तीन फंदों का एक करने के बाद फिर हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। फिर हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो। फिर हम धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो हमारी ये एक जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करके हम तीन फंदों का एक करेंगे। तो पहले हम फंदा इस तरह से पलट के ये पहला फंदा इस सिलाई पे बिना बुना उतार लेंगे, फिर इन दो फंदों का एक कर देंगे। और फिर जो ये बिना बुना हमने फंदा उतारा था ये इसके ऊपर से इस तरह से पलट देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तीन का एक हो गया और साथ के साथ जाली भी पड़ गई। अब हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे। एक, दो। और धागा पीछे करके एक फंदा लास्ट का एज का सीधा। तो इस तरह से हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो हमारी रॉन्ग साइड से है। रॉन्ग साइड से फ्रेंड्स जितनी भी उल्टी सिलाई हैं ये सारी हमें उल्टे फंदे बुनते हुए अपनी कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड से सारी सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अब राइट साइड से थर्ड रो है। थर्ड रो में हम पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो। फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हमारी एक जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ये हमारी दूसरी जाली डल गई। अब इसी तरह से हम तीन का एक करेंगे। तो पहले हम इस फंदे को इस तरह से पलट के बिना बुना इस सिलाई पे ले लेंगे और दो फंदों का हम एक बना लेंगे और ऊपर से इस फंदे को पलट देंगे तो ये हमारा तीन फंदों का एक बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर हम छह फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो। अब इसी पैटर्न को रिपीट फिर से करेंगे। दो फंदे सीधे। एक, दो। दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके और एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ये दो जाली डल गई। अब हम तीन फंदों का एक करेंगे। पहले ये फंदा पलट के सिलाई पे इस तरह बिना बुना उतार लेंगे और फिर इन दो फंदों का एक कर देंगे और इस फंदे को इस पर से पलट देंगे तो ये हमारा तीन फंदों का एक हो गया। अब हम छह फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच,
छः, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, और धागा पीछे करके एज का फंदा सीधा बुनेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हमारी राइट साइड से कंप्लीट होगी, और मैंने आपको बताया था रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ हमें उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स ये देखिए ये अब हमारी राइट साइड से फिफ्थ रो है, ये हम पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करके हम ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए यहाँ हम जाली बना रहे थे तो यहाँ हमारे फंदे इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब हम यहाँ तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये जाली बन जाएगी, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे तो ये जाली बन जाएगी, और ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम तीन फंदों का एक करेंगे, ये फंदा इस तरह से पलट के सिलाई पे ले लेंगे, और फिर दो फंदों का एक कर देंगे, और जो ये बिना बुना फंदा था ये इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर अब हम ये चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, और फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, अपनी तरफ धागा करके दो फंदे उल्टे और धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमारी एक जाली डल जाएगी, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमारी दूसरी जाली डल जाएगी। इसके बाद फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर हम तीन फंदों का एक करेंगे, इस तरह से ये फंदा पलट के हमने सिलाई पे उतार लिया, दो फंदों का एक कर दिया, और ये जो फंदा बिना बुना उतारा था ये भी हमने इसके ऊपर से पलट दिया। फिर हम अभी ये चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये राइट साइड कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी राइट साइड से सेवन्थ रो है, ये हम पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, धागा पीछे करके चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारे दो फंदे सीधे हो गए। अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, ये हमने धागा अपनी तरफ करके जाली डाली थी, एक फंदा सीधा बुना था धागा अपनी तरफ करके, तो ये दो जाली हो गई। अब हम इस तरह से तीन का एक करेंगे, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, इस तरह से दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे और ऊपर से इस फंदे को पलट देंगे, तो ये हमारा तीन फंदों का एक हो जाएगा। और फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी दूसरी जाली डल गई। फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर हम अभी ये फंदा बिना बुना उतार लेंगे इसे पलट के, और फिर दो फंदों को एक साथ बुन लेंगे, और इस फंदे को इन पर से, इन फंदे पे से इस पे से उलट देंगे, और फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, और धागा पीछे करके ये एज का फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये हमारी नाइन्थ रो है राइट साइड से, इसमें हम इस तरह से पहला फंदा बिना बुना उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे बुनने के धागा पीछे करके हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब आठ फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जो हम ये जो तीन का एक कर रहे थे तो हमारी ये लाइन यहाँ से जा रही थी, अब हमें ये इस साइड मोड़नी है, तो अब हम पहले इस फंदे को इस तरह से तीन का एक करेंगे, पर हम पहला फंदा उतार रहे थे, अब हमें इकट्ठे इन तीनों को बुन लेना है। ये देखिए अब हम इन्हें यहाँ से बुनेंगे इस तरह से, अब हम तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे, तो ये हमारा
तीन का एक हो गया। और ये देखिए, ये जो हमारे ये जो लाइन जा रही थी, ये डिज़ाइन इस साइड मुड़ गया इस लाइन का। तो ये हमने तीन का एक कर लिया। पहले हम रो में जाली पहले डाल रहे थे, अब जाली इस साइड पड़ेगी। तो अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे तो फिर ये दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी सेकंड जाली डल गई। तो ये देखिए इस तरह से, फिर हम धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करके फिर हम आठ फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। फिर हम इन तीन फंदों का एक करेंगे, पर अब हम इस साइड से करेंगे, इन तीनों को एक साथ सीधा बुन लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली होगी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये हमारी सेकंड जाली होगी। और धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एच का फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये नाइन्थ रो कम्प्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी राइट साइड से इलेवेंथ रो है। ये हम पहला फंदा इस तरह से बिना बुना उतार लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके हम छह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। और देखिए अब फिर हम तीन फंदों का एक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लेंगे। फ्रेंड्स हमने तीन फंदों का एक बना लिया। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनेंगे, हमारी एक जाली हो गई। फिर धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा सीधा बनेंगे, ये हमारी सेकंड जाली हो गई इस तरह से। और लास्ट का ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हम छह फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। फिर छह फंदे सीधे बुनने के बाद हम तीन फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम तीनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे सीधा। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी एक जाली हो गई। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो हमारी सेकंड जाली हो गई और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे राइट साइड से इलेवेंथ रो कम्प्लीट हो गई। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारी अब राइट साइड से थर्टींथ रो है। ये फर्स्ट फंदा हमने इस तरह से बिना बुना उतार लिया, फिर दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करके हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार। चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर हम तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। सीधा बुनते हुए तीन फंदों का हम एक बना लेंगे, फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली डल गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी सेकंड जाली बन गई। फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसी पैटर्न को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अपनी तरफ धागा करके दो फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, एक दो, और ये धागा पीछे करके फिर हम चार फंदे सीधे बुन लेंगे। चार फंदे सीधे बुनने के बाद फिर से हम तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे। देखिए फिर हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, और फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारी दो जाली डल गई। अब हम दो फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे और एच का फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 13th रो कम्प्लीट हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी राइट साइड से 15th रो है। ये हम इस तरह से एक फंदा बिना बुना उतार लेंगे, फिर हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, फिर हम ये तीन फंदों का एक करेंगे। तीन फंदों को एक साथ बुनने के बाद एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली हो गई।
फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो ये हमारी सेकंड जाली हो गई। फिर अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। फिर हम धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे, एक दो। और फिर हम इन तीन फंदों को एक साथ बुन लेंगे, ये हम तीन का एक कर देंगे। तीन फंदों को हमने एक साथ बुन लिया। फिर तीन का एक करने के बाद हम ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, हमारी एक जाली बन गई। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनेंगे, तो हमारी सेकंड जाली बन गई। अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे। ये तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ कर लिया, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो। और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरह से ये 16 सिलाइयों का पैटर्न है, तो फिर दोबारा से आप एक से लेके 16 तक ऊपर रिपीट करेंगे, तो इस तरह से आपका ये डिजाइन बन जाएगा। दोबारा से आप इसे फिर से वापस रिपीट कर दे 1 से 16 तक, तो देखिए ये बनने के बाद इस तरह से लगता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये डिजाइन और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर से जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं इसी तरह किसी न्यू नीटिंग पैटर्न डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।